और अब एक सावधान करने वाली खबर, चूहों की वजह से लगती है कार में आग। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मुंबई फायर ब्रिगेड की माने तो गाड़ियों में लगी आग की सबसे बड़ी वजह चूहे ही हैं। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि मुंबई में चूहों के चलते गाड़ियां जलने लगी हैं। बीच हाईवे पर रफ्तार के साथ चलती कार में आग, पार्किंग में खड़ी कार में भीषण आग, सड़क पर कारों में इस तरह आग लगने की घटनाएं आम हैं। चंद सेकंड पहले हाईवे पर रफ्तार के साथ दौड़ती कार आग के गोले में तब्दील हो जाती है। देश के महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक हर मौसम में कारों में आग लगने की तस्वीरें आती रहती हैं, और ऐसे हादसों में हर साल सैकड़ों लोगों को जान गंवानी पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कारों में आग लगने की सबसे बड़ी वजह चूहे हैं? मुंबई फायर ब्रिगेड की 3 साल की जांच रिपोर्ट में यही सच सामने आया है। आपने देखा होगा कि मीन्स आपको सबको मालूम है कि जो कार है उसमें पेट्रोल हुआ होता है, लुब्रिकेंट होते हैं, वायरिंग्स होती है, प्लास्टिक वायरिंग होती है, अपोजरीज होती है अंदर, उसके बाद जो पेंट हुआ है वो भी ज्वलनशील है। तो कार में हर चीज़ ज्वलनशील है। यूजुअली क्या होता है कि ये रोडेंट्स होते हैं, जैसे ये रैट्स वगैरह, वो आपका इंसुलेशन खा लेते हैं। मुंबई में पिछले 3 साल के दौरान गाड़ियों में आग लगने के कुल 860 मामले सामने आए हैं, जिनमें 9 लोगों की मौत हुई है जबकि 14 लोग जख्मी हुए। वहीं इस साल अप्रैल से लेकर जुलाई के पहले हफ्ते तक 72 गाड़ियों में आग लगने के मामले दर्ज हुए। फायर ब्रिगेड ने जब मामलों की तफ्तीश की तो खुलासा हुआ कि ज्यादातर गाड़ियों में आग चूहों के तार काटने से हुई शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। ये रोडेंट्स होते हैं, जैसे ये रैट्स वगैरह, वो आपका इंसुलेशन खा लेते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। अभी चलती गाड़ी है, ओनर बोलता है कि मैं आधा घंटा गाड़ी चला रहा था तो कुछ नहीं हुआ, बीच रास्ते में ही अंगार लग गई, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो स्पार्क होते हैं वो स्पार्क और गाड़ी के अंदर का जो वायरिंग है उसका इंसुलेशन, उसके ऊपर लुब्रिकेंट, बाकी के जो पेट्रोल वेट्रोल जो होता है, उसकी वजह से जो आग है वो लगने के बाद बहुत ही कम समय में फैल जाती है और पूरी अंगार जो है पूरे गाड़ी में लग जाती है। अब सवाल यह है कि कार के अंदर चूहे कैसे घुस जाते हैं? रिसर्च के मुताबिक नई गाड़ियों के तारों पर लगा एक खास किस्म का प्लास्टिक इन चूहों को आकर्षित करता है, और इसी प्लास्टिक को खाने के लिए चूहे आपकी गाड़ी के बोनट में घुसते हैं। इसके अलावा गाड़ियों में छोड़ा गया खाने पीने का सामान भी चूहों के कार में घुसने की बड़ी वजह है। कोई कोशिश करनी चाहिए कि लोग कई महीने गाड़ी रख देते हैं, नीचे कचरा हो जाता है, इनफैक्ट कुछ व्हीकल्स के अंदर खाना वगैरह रह जाता है, जिसमें ना ये जो मैंने जैसे बताया चूहे वगैरह, उनके लिए तो एक तरीके का न्योता दिए जमाना हुआ, और वही जो है फिर आपकी इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह उनको कट कर देती है। इसके साथ ही कारों को पार्क करते वक्त भी सावधानी जरूरी है। कई बार कूड़े के ढेर के पास खड़ी कारों में भी चूहे आसानी से एंट्री करते हैं। अब फायर ब्रिगेड की फाइंडिंग आई है कि इस तरह की कारें जब पार्किंग में खड़ी की जाती हैं तो इनके अगल बगल जो कचरा फैला होता है वहां पर चूहे होते हैं, और वही चूहे बड़ी महंगी कारें हों या सामान्य कारें, उनकी वायरिंग को कट कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो प्लस और माइनस जो 2 पॉइंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, वो आपस में टकराते हैं और स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग के बाद चलती ही कारों में आगजनी की घटनाएं होती हैं। कार में चूहों की घुसपैठ ना हो और कार आग का गोला ना बने, इसके लिए कुछ सावधानियां जरूरी है। मसलन कार की वक्त पर सर्विसिंग कराएं, कार के बोनट को खोलकर वायरिंग को चेक करें और कमी हो तो दुरुस्त करें। कार में खाने पीने का सामान न छोड़े, कार को कूड़े के ढेर के पास पार्क न करें, कार में फायर एक्सटिंग्विशर रखें और इसे इस्तेमाल करने का तरीका जानें। ऐसे में अब आपको भी सावधान रहने की जरूरत है,
कार कितनी भी महंगी हो, कितनी भी नहीं हो, लेकिन ये छोटी सी आपकी गलती आपके लिए जानलेवा हो सकती है। कैमरामैन किरण कदम के साथ सुधीर शुक्ला, इंडिया टीवी, मुंबई।